हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो गाइस, माइसेल्फ गौरव भारद्वाज, एन एम ए लेक्चर ऑफ कॉमर्स इन इंटर कॉलेज, और मैंने एम कॉम एम ए इकोनॉमिक्स एंड बी एड किया हुआ है। काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे से कमेंट करके कहा कि सर, आपने हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताया है, तो हमें CCS यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी चरण यूनिवर्सिटी मेरठ के बारे में भी बताइए। आज मैं उसका रिव्यू करने वाला हूँ, पॉजिटिव रिव्यू होगा, अपने व्यूज़ देने वाला हूँ कि आपके लिए क्या वहाँ एडमिशन लेना सही रहेगा, क्या वहाँ से आपको कोई ग्रेजुएशन या पीजी का यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करना सही रहेगा। तो गाइज़, मैंने भी वहाँ से पढ़ाई की है, तो मैं आज बिल्कुल सही बात आपके साथ करने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं CCS में एडमिशन लेने के लिए, तो आज की आपके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लीज़ वीडियो को दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ दोस्तों, मैं किसी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बुराई नहीं कर रहा हूँ या किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने व्यूज़ दे रहा हूँ और व्यूज़ देना ये सबका अधिकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो मेरठ के आसपास या फिर किसी जो ये क्षेत्र पड़ता है हमारा, जोन जो पड़ता है जहाँ पे यूनिवर्सिटी जो इसका हेड ऑफिस मेरठ में है, और ऑल ओवर लगभग इधर जो वेस्ट यूपी आता है इसमें काफ़ी सारे कॉलेज हैं। मैंने सुना है कि 900 कॉलेज कुल मिलाकर हैं CCS यूनिवर्सिटीज़ के। बट जहाँ से हम आपको BCom और BSc, BA, MCom, MSc और MA और साथ में BEd और इसके अलावा LLB और LLM, ये सारे कोर्स तो हैं, इसके अलावा MPhil भी है और बहुत सारे काफ़ी कोर्स हैं जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ है। बट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लेवल की, सबसे पहले आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे कि आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, लाइक आप BCom में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप BSc में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ CCS यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो कुछ आपने कहीं से सुना होगा वो तो सुना ही होगा, साथ में मेरी भी बात सुन लीजिए। CCS यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, मैंने वहाँ से पढ़ाई की है, सबसे पहले नंबर पे आता है एकेडमिक वहाँ का, यानी कि वहाँ पे आपका जो प्रेजेंट लगती है यानी कि जो अटेंडिंग होती है उसका कैसा रिस्पॉन्स है। जितने भी CCS यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, बहुत ही कम कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर रेगुलर क्लासेस चलती हैं। रेगुलर क्लासेस तो चलती हैं, बट वहाँ पर स्टूडेंट्स का जो स्तर है, वहाँ पर टीचिंग का जो स्तर है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स लेक्चर लेने नहीं आते, लेक्चर लेने फैकल्टी जो लेक्चर लेने आते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होते, और मतलब दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद गिव अ लेक्चर एवरी डे। और वहाँ पे वीकली क्लासेस चलती हैं, बट इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। मैं कुल मिला के बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने स्टूडेंट BCom वहाँ से कर रहे हैं, और वो वहाँ से BCom तो कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, बट वो सब ट्यूशन बेस यानी कि कोचिंग बेस पास हो रहे हैं, और कोचिंग भी लेकर उनका क्या हालात है मैं आपको बताना चाहूँगा। कोचिंग लेकर भी उन्हें 50-60% लाने मुश्किल हो रहे हैं। गाइज, हाईएस्ट परसेंटेज जो यहाँ पर BCom की रहती है CCS में, 65-70% आता है, वो भी बहुत ज़्यादा मारामारी करके, वो भी CBSE वाले स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश में एग्ज़ाम्स देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स दोनों में होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो जो इंग्लिश में एग्ज़ाम देते हैं उनके मार्क्स जाके 70 तक पहुँचते हैं। इतने अच्छे अच्छे मैंने बच्चे देखे हैं जिनके बोर्ड एग्ज़ाम में 90, 85, 95 या 80+ मार्क्स आते हैं, बट उन जो CCS में आके वो 60-65 पे आके रुक जाते हैं। इसके पीछे मैंने रिसर्च की, थोड़ा बहुत पता किया वीडियो बनाने से पहले, या जो मैंने 3 साल वहाँ से पढ़ाई की उसके बाद मैंने पता किया। गाइज, इसीलिए मैंने सीखकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से BEd किया था, यहाँ से नहीं किया था। BEd में यहाँ पर एंट्रेंस के साथ साथ विद चार्जेस भी लगते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप इसकी यूनिवर्सिटी के बारे में बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे कॉपिंग चेकिंग का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है। एवरेज मार्किंग होती है, आप कितना भी अच्छा काम कर लें, आप 10/10 अगर आप 10 मार्क्स के क्वेश्चन को पूरा करके आते हैं तब भी यहाँ पे एवरेज मार्क्स मिलते हैं आपको, और उस एवरेज मार्क्स के चक्कर में आपकी परसेंटेज डाउन हो जाती है। और डिपेंड क्या करता है, जब आप सपोज यहाँ से BCom कर रहे हैं CCS से, और CCS के बाद आपको मन है कि अब मैं MBA करूं, और MBA के लिए मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं अपनी एक वीडियो में, आप सिम्बोसिस से, दिल्ली से या कहीं और से MBA करना चाहते हैं, या BSc करके MSc बाहर से करना चाहते हैं, और वहाँ पे लगती है जब मेरिट तो आपका नाम नहीं आता। दूसरा गाइस, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर मेरिट लगती है, जैसे BTC की मेरिट होती है या और होती है, तो वहाँ पर भी आपकी मेरिट में नाम नहीं आता, बिकॉज ऑफ कि आपकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। अब आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को कि अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं CCS यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, तो दो चीज़ ध्यान रखें, वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़, आपकी अटेंडिंग नॉट अटेंडिंग एक ही बात रहेगी, क्योंकि वहाँ पे अटेंड होना, मैं खुद ग्रेजुएशन में बहुत कम गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाने का मतलब है टीचर अच्छे से लेक्चर नहीं लेते, लेते हैं तो स्टूडेंट्स इतने सारे नहीं आते, और वो फिर फोर्स करते हैं कहीं ना कहीं आपको कि आप कहीं कोचिंग पर जाओ या ऐसा कुछ करो। दूसरा गाइस, आप यूनिवर्सिटी में सपोज़ आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट इतने सारे होते हैं,
और उसके बाद स्टूडेंट का स्तर भी, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ बहुत लो जाती है। DU की अगर मैं बात करूँ तो 95 प्लस पे एडिशन होता है, यहाँ पे आप 60% में है तब भी आपका एडिशन हो जाएगा SES यूनिवर्सिटी। अब आप सोचिए अगर 55 और 60% वालों का एडिशन हो रहा है तो क्या स्तर होगा स्टूडेंट्स का और एग्ज़ाम्स का क्या स्तर होगा। एग्ज़ाम्स की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम डिले होते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और चेकिंग बहुत ज़्यादा डाउन रहती है। तो आप ये देखें कि चेकिंग डाउन रहती है, आपको अटेंडिंग रहना ना रहना एक ही बात है, फीस मान लीजिए कम है तो अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ से एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और आप प्लीज़ अपनी सारी रिव्यूज़ देखकर, मेरा आपको सजेशन है कि अगर आप देखिए दो तरह से, अगर आप केवल ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या आपको मन है कि नहीं मुझे टीचर बनना है तो आपके लिए बेटर है CCS। बट आप अगर MBA करना चाहते हैं, कोई प्राइवेट डिग्री लेना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो आप सजेशन है आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाइए, भूल जाइए आप CCS को, भूल जाइए आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको क्लासेस अच्छी मिलेंगी, अटेंडिंग रहना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, प्रोफेशनल में आपको बेसिक सिखाए जाएंगे और उसके बाद आपकी मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपकी मेरिट अच्छी बनेगी और उसके बाद आपको प्लेसमेंट्स भी अच्छी जगह मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे मेरे अपने व्यूज CCS यूनिवर्सिटी पर, काफ़ी और स्टूडेंट्स ने मुझे कहा। तो देखिए अब CCS के बहुत सारे 900 कॉलेज हैं, आप एडमिशन लेना चाहें तो कहीं पर भी फॉर्म भर सकते हैं, अभी फॉर्म निकलने वाले हैं जून के लास्ट में और जुलाई में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। फीस उनकी 2 से 3 हज़ार रुपये रहती है एक साल की और स्कॉलरशिप भी मिल जाती है जो कि फीस फ्री बराबर पड़ जाती है, लेकिन बाकी स्तर आपके सामने है दोस्तों। तो कैसी लगी आपकी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय।